हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम 6.2 के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.2 के सॉल्यूशन, 6.1 के इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको। आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 का 6.2 के सॉल्यूशंस करेंगे, पार्ट 4 इस वीडियो का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, देन एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ए बी को प्रूव करना है सी डी के पैरेलल है। तो हम पहले गिवन लिखें। तो गिवन क्या है मेरे पास, फिगर में चेक करो गिवन क्या है। गिवन है आपके पास एक एंगल गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, हम एक काम करें, इसको नाम दे दें। इसको आप एक काम करो, ई और डी नाम दे दो, ई और एफ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ। तो क्या गिवन है मेरे पास, एंगल ए ई, ए ई जी और ये वाला एम। सो व्हाट यू आर गिवन, यू आर गिवन एंगल ए ई जी इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल सी एफ एम इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये गिवन है ना आपको। क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड, टू फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है एंड ए बी को पैरेलल प्रूफ करना है सी डी के। अब जरा चेक करो कैसे करेंगे। मैं एक बार जरा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम करने कैसे वाले हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, अगर ये एक्स है और ये 50 है तो इन दोनों का सम क्या 180 होगा, लीनियर पेयर कहता है। और जो वाई होगा वही 130 होगा ना, बिकॉज ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बस इससे एक्स आ जाएगा लीनियर पेयर से और वाई कितना होगा, वाई तुम्हारा 130 वैसे ही होगा। तो एक बार लिख लेते हैं। देखो, हम कह सकते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी 180 माइनस 50। तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 130 डिग्री, x आ गया। अब y कैसे आएगा, मैंने बताया जो y होगा वो 130 होगा। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। अब एक पार्ट और कह रहा है, कह रहा है प्रूफ कर दो ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हम ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने पैरेलल करने के तीन तरीके बताए थे, याद है? इसमें से कोई सा भी फिट हो रहा है, इसमें जो मैंने आपको पैरेलल करने का वे बताया था, इसमें कोई फिट हो रहा है, इसमें एक बार चेक करो। तीन तरीके थे ना पैरेलल प्रूफ करने के, याद है? ये था आपका जी। देखो, एक्स हमारा कितना आ गया, ये 130 आ गया, और वाई कितना था, ये भी 130 आ गया। अब आप चेक करो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होते थे, याद है? जो एफ बनाते थे, ये एफ बना रहे ना ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो दीज एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमें पता है जब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लाइन बिकम्स पैरेलल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो x इज इक्वल टू 130 डिग्री है ना, और एंगल सी एफ एम ये भी कितना है, 130 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, when a pair of corresponding angles are equal, जब ये इक्वल होंगे देन लाइन्स आर, लाइन्स क्या बन जाएगी, पैरेलल, लाइन्स विल बिकम पैरेलल। सो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी पैरेलल किसके हो गया, सी डी के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लग गया हमारा, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, फिगर में गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो कह रहा है और y रेशो x है 3:7, x निकाल दो। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है। टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल होगी ना। और जो y का रेशो है वो 3x है, तो y को आप 3x ले लो। और जो z का रेशो है वो है 7x, इसको आप 7x ले लो। अब एक बार जरा चेक करो, ये 3x है, ये 7x है। ठीक है, क्या ये भी y होगा,
क्या ये भी वाई होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इन दोनों का सम याद है कितना होता था, 180 डिग्री। तो इससे आपका रेशो आ जाएगा, है ना। हम एक काम करते हैं, x x में कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम इसको 3a और 7a ले लें के लेट द रेशो भी, क्योंकि x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो 3a, तो हम कह सकते हैं ये y कितना है हमारा 3a, और ये है 7a, तो 3a plus 7a is equal to 180, तो 10a is equal to 180, तो a is equal to 18 आ गया, a 18 आ गया, तो मेरा y की वैल्यू आ गई 18 3 जा 54। अब अगर y आ जाएगा तो x और y से मैं फिर से लगा सकता हूँ, तो हमारा आंसर आ सकता है ना। एक बार ट्राई करें, देखो सबसे पहले गिवन क्या आ गया आपके पास, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, और जो y रेशो z है आपको x मत लेना, 3a और 7a लेना, क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसलिए हम कंफ्यूजन नहीं चाहते। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, x, आपको x निकालना है, ठीक है। अब जरा प्रूफ चेक करो, मैं कह सकता हूं जो y होगा वही इक्वल होगा 3a के, y 3a के इक्वल है ना, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हम इनको नाम दे दें, ज़रा इजी रहता है, मैं ज़रा थोड़ा सा इरेज कर दूँ इसको, ए बी सी डी 1 2 3 4 एंगल ले लेते हैं, है ना, इजी रहता है। ये देखो, आप एक काम करो, इसको 1 ले लो, इस एंगल को 1 ले लो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 3a है, और जेड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, y आपका 3a है और z कितना है मेरे पास, 7a है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 1 ले लिया, तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1, y एंगल 1 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मतलब यहां पे भी मेरा y आ गया, और आपको पता है एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है, 180 होता है, और एंगल 1 कितना है मेरा, जो एंगल 1 है वो y तो है, यही तो एंगल 1 है, तो एंगल 1 की जगह मैं 3a लिख सकता हूँ, और z कितना है मेरा, 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही मैंने समझाया था आपको। तो ये हो गया 10a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ गया आपके पास, 180 बाय 10 दैट इज 18 आ गया, तो a आ गया 18, तो अगर a 18 आ गया तो मेरा y कितना आया, y आया आपके पास 3 है, मतलब 3 into 18, तो 18 3 का कितना होता है, 54 डिग्री आंसर आ गया आपका, y आ गया 54, बट आपको x निकालना था। अब जरा y और x को चेक करो, ये जो y और x है क्या ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं है, क्या इनका सम 180 नहीं होगा, है ना, तो इनका 180 लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आएगा इंटीरियर एंगल, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें y की, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180। अब 54 को मान ले जाओगे तो क्या आएगा, तो x आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 54, सो x विल बी कितना आएगा, 180 में से 50 गए, 130, 4 गए, 126, सो x आ गया आपके पास 126 डिग्री, x आ गया हमारे पास 126 डिग्री इज द आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है आपको, फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी गिवन है, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। कह रहा है जी ई डी 126 है, जी ई डी ये पूरा एंगल ये 126 डिग्री गिवन है। कह रहा है एज निकाल दो, ए जी ई ये निकालना है आपको, तो इसको एक काम करें, मान ले लेते हैं जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ, तो इस एंगल को, सिर्फ इतने एंगल को एंगल टू ले लें,
और कह रहा है FGE एंगल 3 निकाल दो। तो ये तीनों एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एक बार जरा लिखे गिवन क्या क्या आपके पास। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज AB पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर टू CD। और क्या गिवन है, एंगल GED कितना है 126 डिग्री। बट यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, हमें एंगल 1 निकालना है, एंगल 2 निकालना है और एंगल 3 निकालना है। अब जरा प्रूफ चेक करो, देखो एक बार जरा ओरली निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे। देखो अच्छा, ये पूरा 126 है, ये 90 है, तो क्या इससे माइनस करके एंगल 2 आ सकता है हमारा, है ना। और अब चेक करो, जो एंगल 1 होगा वही 126 होगा ना, क्योंकि जेड बना रही है। ये देखो क्या जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये तो एंगल 1 हमारा 126 डिग्री होगा। और जो ऐसा एंगल 1 निकलेगा उससे एंगल 3 निकल जाएगा आपको लीनियर पेयर से। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 126। सो एंगल 2 आ जाएगा 126 माइनस 90, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। एंगल 2 आ गया आपके पास। अच्छा, एंगल 1 हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल GED के इक्वल होगा 126 डिग्री। रीजन क्या होगा, याद है रीजन, ऑल्टरनेट कौन से कहते थे जेड वालों को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 126 डिग्री। हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 126 प्लस एंगल 3 180, तो एंगल 3 कितना आएगा 180 माइनस 126, तो एंगल 3 कितना आएगा 180 में से 126 गए तो 60 में से 6 गए 54 डिग्री इज द आंसर। सो एंगल 3 आएगा 54 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन फिगर PQ पैरेलल टू ST, PQ जो है ST के पैरेलल है, PQR 110 दिया हुआ है, RST 130 दिया हुआ है, कह रहा है QRS निकाल दो, ठीक है। QRS आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो हम एक काम करें, जो R पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बना दे जो PQ के पैरेलल होगी, हम MN ले ले, इसको MN ले ले भाई, हम R पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बना रहे हैं PQ के, कंसेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये लाइन PQ के पैरेलल है और PQ ST के पैरेलल है, तो टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तीनों लाइन है, ये वाली और ये वाली, तीनों लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल। अब एक काम करो, इसको एंगल 1 नाम दे दो और इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, है ना, तो इससे एंगल 1 आ जाएगा। इसको एंगल 2 नाम दे दो और इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा, तो इससे एंगल 2 आ जाएगा और इससे हम QRS निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करें एक बारी। सो गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन इज PQ पैरेलल टू ST और एंगल PQR कितना गिवन है 110 डिग्री और एंगल RST कितना गिवन है 130 डिग्री। व्हाट यू हैव टू फाइंड, टू फाइंड क्या करना है आपको, एंगल QRS। अब हमने कंस्ट्रक्शन की है तो सिर्फ फिगर में नहीं करेंगे, इसको बताना पड़ेगा क्या, थ्रू आर, आर के थ्रू, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू PQ मतलब जो MN ले लिया हमने वो PQ के क्या बनाया हमने, पैरेलल बनाया। अब प्रूफ में देखो, पहले इन तीनों लाइनों को पैरेलल करो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, मतलब PQ पैरेलल है MN के, ये आया बाय कंस्ट्रक्शन, और वही PQ भी पैरेलल है किसके, ST के। ये क्वेश्चन में क्या है, ये है गिवन, तो टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, तो तीनों लाइनें आपस में क्या होगी, PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू MN। हम लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, मैं कई बार बताता हूँ ये चीज़, टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर,
बस अब आप निकाल सकते हो इजीली। अब हम एंगल वन निकालें, जो फिगर में देखो एंगल वन मैंने मार्क कर रखा है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल वन प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड, है ना। तो इससे आपका एंगल वन निकल जाएगा। तो एंगल वन कितना आएगा मेरे पास? 180 माइनस 110। तो आप माइनस करोगे तो एंगल वन कितना आने वाला है मेरे पास? एंगल वन इज 70 डिग्री। क्लियर है? एंगल वन आ गया। अच्छा, एंगल टू कैसे निकालेंगे? हम कह सकते हैं एंगल टू प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी सेम आएगा, इंटीरियर एंगल वाला, है ना। इसको लिख लेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 180 माइनस 130, सो एंगल टू विल बी 50 डिग्री। तो आपका एंगल वन भी आ गया और आपका एंगल टू भी आ गया। हम कह सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा इसका? स्ट्रेट लाइन एंगल। एंगल वन कितना है मेरे पास? 70 है। एंगल टू कितना है मेरे पास? 50 है। और एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है 180। 70 प्लस 50 कितना हुआ? 120। प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। इसको आप वहाँ लेके जाओगे तो 120 माइनस हो जाएगा, सो एंगल क्यू आर एस विल बी कितना आएगा? 180 माइनस 120 कितना आया? आंसर इज 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट वो कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल गिवन है सी डी के और ए पी क्यू 50 है, ये पैरेलल है, ये 50 है, पी आर डी 127 है, आपको मार्क कर रखा है। कह रहा है एक्स और वाई निकाल दो। तो एक बार जरा ओरली कर ले क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्या ये पैरेलल है तो जेड बना रहे ये, और अगर ये जेड बनाएगा तो जो एक्स होगा वो भी 50 होगा, ठीक है। तो इससे एक्स आ जाएगा, ये 127 है और ये 127 होगा और ये भी 127 होगा ना, क्योंकि देखो ये भी जेड बना रहा है, चेक करो ये भी तो जेड बन रहा है, तो इससे वाई आ जाएगा। बस सिंपल है। देखो गिवन क्या क्या है मेरे पास? गिवन इज ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या गिवन है? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, और क्या गिवन है? एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है आपको? टू फाइंड एक्स एंड वाई प्रूफ। देखो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, अभी बताया ना मैंने, इसका बोलते कहते हैं जेड वाले को, याद है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका एक्स तो आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्स कितना आ गया? 50 डिग्री, तो एक्स आ चुका है हमारा। अच्छा मैं कह सकता हूँ वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 127 डिग्री। इसका रीजन भी यही आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो वाई विल बी 127 माइनस 50। तो 120 में से 50 गए तो कितना बचा? 70, तो इट विल बी 77 डिग्री। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, सिंपल था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बार पेपर में बच्चों को बहुत दिक्कत दे देता है क्वेश्चन 6 ना, तो पहले एक बार ध्यान से समझते हैं। कह रहा है आपको दो मिरर गिवन है, पी क्यू और आर एस, ये दिख रहे हैं आपको दो मिरर ये रहे। दे आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे ए बी है जो स्ट्राइक करती है मिरर को पी क्यू पे बी पे, और रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग दी पाथ बी सी, रिफ्लेक्टेड रे जो बी सी के पाथ से जाती है और स्ट्राइक करती है आर एस पे। दिख रहा है आपको ये ए बी गई और ये बी से स्ट्राइक करी, ये यहाँ पे आ गई, आर एस पे स्ट्राइक करी सी पे, और फिर से वो कहाँ चलेगी? सी डी के अकॉर्डिंग वो आगे चलेगी। कह रहे प्रूफ करो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी कैसे पैरेलल करेंगे हम सी डी के, आपको प्रूफ करना है। वैसे आपको पता होगा जो इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है ना। अब अगर ये मिरर है और ये कौन सी रे है आपकी? ये इंसिडेंट रे है ना,
और ये इंसिडेंट रे याद है फिजिक्स में पढ़ा था, और ये कौन सी रे, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये बीच में अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल आई इंसिडेंस, ये एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था, याद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यही वाला मेथड, यही वाला अप्लाई करने वाले हैं, मेथड स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करेंगे, इसके जरा एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ना, जो नॉर्मल बताया था मैंने। इसको हम एम नाम दे देते हैं और इसको हम सी एन नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं एंगल वन, इसको हम ले लेते हैं एंगल टू, इसको हम ले लेते हैं एंगल थ्री, एंड टेक इट एज एंगल फोर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो गिवन क्या है मेरे पास, वी आर गिवन, क्या गिवन है, ए पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल मिरर्स, दो पैरेलल मिरर्स है, ठीक है। और ए बी इज अ रे, ए बी एक रे है जो उसको स्ट्राइक कर रही है, और अभी ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ क्या, ए बी पैरेलल है सी डी के, आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। तो एक काम करें, ओरली एक बार ट्राई करें। अब एक बात बताओ, जो इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगी, तो मतलब एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। हम कह सकते हैं एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, तो अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो मतलब जो एंगल टू है क्या वो एंगल थ्री के इक्वल भी होगा, क्योंकि ये देखो जेड बना, जेड भी बना रहे, चेक करो, ये देखो ये जेड बन रहा है हमारा, दिख रहा है आपको जेड बनता हुआ, जेड भी बन रहा है। तो अगर एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल हो गया, आप इनको डबल कर दो, तो टू एंगल टू टू एंगल थ्री के इक्वल होगा। एंगल टू को डबल करोगे तो क्या आएगा, ये पूरा एंगल आएगा, और एंगल थ्री को डबल करोगे तो ये पूरा एंगल आएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा दिस फुल एंगल इज इक्वल टू दिस फुल एंगल। और ये कौन सा एंगल है, अगर हम इसको जेड को चेक करें, ये अगर जेड चेक करें, कौन सा एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। When a pair of alternate angles are equal, then the lines are parallel. खत्म, बस इस तरह से करना है हमें, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। क्या था ये था M and this is N, ठीक है। हम एक काम करें, इसको एंगल वन और इसको भी एंगल वन ही मान लें, क्योंकि बोथ आर सेम। इसको एंगल टू और इसको भी एंगल टू मान लें, क्योंकि बोथ आर सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्शन की है तो इसको मेंशन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या की है, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम को, और एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस, प्रूफ हमने ड्रॉ किया है। अब जरा प्रूफ में चेक करो, हम कह सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये जेड फॉर्म कर रहा है, चेक करो क्या ये जेड फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो। और जेड वाले कौन से एंगल होते थे, जेड वाले एंगल होते थे कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनको मैं 200 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा टू एंगल वन इज इक्वल टू टू एंगल टू। सो टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, टू एंगल वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सा एंगल, टू एंगल वन की जगह ये पूरा एंगल लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और टू एंगल टू की जगह ये मैं पूरा एंगल लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल बी सी डी, ये देखो है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखो। अगर ये ऐसे हम लाइन को इमेजिन करें, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। सो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर ये मैं इक्वल कर देता हूं देन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। देयरफोर क्या कह सकते हैं हम? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के। अच्छा एक चीज इसमें मेंशन करना भूल गया मैं, प्रूफ के अंदर है ना, पहले आप ये मेंशन कर देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफोर दोनों एंगल वन इक्वल होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ये, क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। सो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हमने करना है क्या, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी 6.3 का इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।